और रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि अगस्त महीने में वो रूस से क्राइमिया का इलाका पूरी तरह से छीन लेगा। वॉर जोन से आई रिपोर्ट की माने तो ज़ेलेंस्की ने नेटो के कहने पर अब क्राइमिया में रूसी सेना पर बेहद तेज हमले कर दिए। खबर ये भी आ रही है कि यूक्रेन की स्पेशल फोर्स के 2000 कमांडोज क्राइमिया पहुंच चुके हैं और रूसी सेना पर घातक हमले कर रहे हैं। भले ही पुतिन और उनकी सेना यूक्रेन में बेहद आक्रामक हो, लेकिन अब उनको होशियार रहना होगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने एक ऐसे मिशन की शुरुआत कर दी है जो पुतिन को बहुत बड़ा झटका दे सकता है। इस मिशन में ज़ेलेंस्की 20,000 सैनिकों का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें 2,000 ऐसे कमांडोज हैं जो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। अगस्त शुरू होते ही रूस को बहुत बड़ा घाव देने की तैयारी में है ज़ेलेंस्की। रूस की फौज को चुन चुन कर मारना चाहता है यूक्रेन। अगस्त आते आते ही पुतिन को बेइज्जत करने वाला बड़ा मिशन शुरू हो चुका है। अगस्त में वो हो सकता है जो पुतिन ने कभी सोचा भी ना होगा। बीस हजार कमांडो रूस पर सबसे बड़ा हमला करेंगे। इनमें 2000 से ज्यादा कमांडो आसमान के रास्ते उस जमीन पर उतरेंगे जिसे पुतिन रूस कहते हैं और ज़ेलेंस्की उसे अपने देश का हिस्सा मानते हैं। क्राइमिया में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। क्राइमिया पर पुतिन को कर्च ब्रिज से भी बड़ा झटका मिलने वाला है। क्राइमिया में सबसे बड़े कमांडो ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुके हैं ज़ेलेंस्की। क्राइमिया वो जगह है जहां 2014 से रूस का कब्जा है। रूस इसे अपने नक्शे में शामिल कर चुका है, जबकि ज़ेलेंस्की इसे यूक्रेन का वो टुकड़ा मानते हैं जिसे पुतिन ने ताकत के बल पर छीना है। लेकिन अब यहां उस युद्ध की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है जो अब तक यूक्रेन के किसी शहर में नहीं हुआ है। क्राइमिया को वापस हासिल करने के लिए ये ऐसा ऑपरेशन होगा जिसमें 2000 से ज्यादा कमांडो शामिल होंगे और 20,000 की फौज उनको बैकअप देगी। ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक का सबसे बड़ा मिशन बस शुरू होने वाला है। Зазнала банкрутства на полі бою сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше. Поступово війна повертається на територію Росії до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими. अब तक काउंटर अटैक को फेल साबित करने वालों के लिए ये ज़ेलेंस्की का बड़ा संदेश है, जिनमें तीन बातों को बहुत बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि इस ऑपरेशन में सिर्फ यूक्रेन की फौज शामिल नहीं होगी। यूक्रेन का साथ देने के लिए ब्रिटेन ने कमर कस ली और वो इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बड़ी भूमिका में शामिल हो गया है। ब्रिटेन की कमांडो फोर्स SAS यानी स्पेशल एयर सर्विस ने यूक्रेन के 2000 जवानों को तैयार कर दिया है। ये 2000 कमांडो उस बड़ी फोर्स का छोटा सा हिस्सा है जो क्राइमिया पर किसी भी वक्त चढ़ाई करने के लिए तैयार है। ये ऑपरेशन अगस्त में शुरू हो सकता है और कहा जा रहा है कि पहले हमले के बाद अगले कई महीनों तक क्राइमिया में बहुत भीषण जंग हो सकती है। ज़ेलेंस्की का टारगेट बहुत साफ है और वो ये है कि यूक्रेन क्रिसमस तक यानी दिसंबर 2023 खत्म होने से पहले पूरे क्राइमिया पर वापस कब्जा करना चाहता है। इसके लिए यूक्रेन के 2000 कमांडोज को दक्षिण ब्रिटेन के डार्टमूर में ट्रेनिंग दी जा रही है। ये जगह लंदन से 275 किलोमीटर पश्चिम में है और यहाँ
SAS यूक्रेन की कमांडो फोर्स को बड़े इलाके पर कब्जा करने का तरीका बता रही है। क्राइमिया के खिलाफ जिस ऑपरेशन की तैयारी चल रही है उसमें जमीन के रास्ते हमला करने की ट्रेनिंग हो रही है, समंदर के रास्ते अटैक करने का तरीका बताया जा रहा है और आसमान से यानी विमान से कैसे पैराशूट के जरिए उतरकर हमला किया जाए इसका भी पूरा ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि जेलेंस्की ने इन कमांडोज को खुद चुना है, उनकी देखरेख में एक एक कमांडो को इस बड़े मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। जेलेंस्की के लिए क्राइमिया को जीतना बहुत बड़ा सपना है, लेकिन वो जानते हैं कि एक बार क्राइमिया को लेकर उन्होंने रूस को झटका दे दिया तो इसके बदले वो पूरा डॉनबास और बखमूत का इंच रूस की फौज से आजाद कर सकते हैं। कुल मिलाकर जेलेंस्की क्राइमिया को जीत कर डॉनबास का सौदा करना चाहते हैं। जेलेंस्की को मालूम है कि क्राइमिया पुतिन की कमजोरी है और वो इसे लेकर डील करने को जरूर तैयार हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जेलेंस्की बहुत ज्यादा दबाव में है। जेलेंस्की बखमूत में लाशों का पहाड़ देख चुके हैं, खंडकों में मारे गए अपने फौजी देख चुके हैं। यही वजह है कि जेलेंस्की को नेटो से सलाह मिली है कि वो अब क्राइमिया पर अटैक करें। क्राइमिया रूस के हाथ से गया तो पूरा यूक्रेन आजाद करवाया जा सकता है, इसलिए जेलेंस्की के ऑर्डर पर अब 10-20 नहीं बल्कि 2000 कमांडो अपनी जान देने के लिए तैयार है। स्लावा उक्रेन। क्राइमिया में जो 2000 कमांडो ऑपरेशन का हिस्सा होंगे इनमें से 334 लड़ाकों की फोर्स ऐसी है जिनसे खुद जेलेंस्की ने बात की है। ये यूक्रेन की सेना के वो 334 नए अफसर हैं जो जेलेंस्की के एक हुक्म पर अपनी जान देने को तैयार हैं और रूस को हराना इनका मकसद है। स्लावा उक्रेन। इन सैनिकों को पता है कि बखमूत में यूक्रेन की फौज को रूस चुन चुन कर मार रहा है, यही हाल अब ओडेसा को होने वाला है, इसलिए ओडेसा की तरफ रूस बढ़े इससे पहले उन्हें क्राइमिया पर अटैक करना होगा। पुतिन को लेकर डर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि रूस अब नॉनस्टॉप मिसाइल के हमले कर रहा है। ऐसा ही एक हमला सेंट्रल यूक्रेन के क्राइवी री शहर में हुआ। देखिए यहाँ पुतिन की मिसाइल ने एक रिहायशी इमारत को कैसे खोखला कर दिया है। इस हमले में 2 लोगों की फौरन मौत हो गई जबकि 31 लोग जख्मी हो गए। ऐसे ही हमलों के जरिए पुतिन यूक्रेन को घुटनों के बल लाना चाहते हैं, लेकिन अब तक वो नाकाम साबित हुए हैं क्योंकि नेटो के बैकअप ने जेलेंस्की को अब तक जंग में बना रखा है। हालांकि यूक्रेन धीरे धीरे पुतिन के बड़े एजेंडे में समाता जा रहा है। पूरे जुलाई महीने में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमले किए हैं। ओडेसा सबसे बड़ा टारगेट बना है। इन हमलों में क्रूज मिसाइल का ही इस्तेमाल किया गया है। इनमें कैलिब्र मिसाइल भी दागी गई है, ऑनिक्स मिसाइल से भी हमला हुआ है और शाहिद ड्रोन से भी अटैक किया गया है। पुतिन ओडेसा में हमले करके जेलेंस्की से ज्यादा नेटो को मैसेज देना चाहते हैं। रूस का दावा है कि इन हमलों में उसने यूक्रेन के कई बड़े अड्डे तबाह किए हैं, उसके सैन्य ठिकानों के साथ उसके कमांड सेंटर को भी उड़ा दिया। लेकिन ऐसी तबाही तो डॉनबास के उन इलाकों में भी हो रही है जहां रूस का कब्जा है और वहां पर जेलेंस्की हाईमार्स के रॉकेट से हमला कर रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं है और जेलेंस्की हो या पुतिन दोनों के हमले ऐसे हैं जिसमें धीरे धीरे यूक्रेन का हर शहर समाने वाला है। रूस को रोकने के लिए जेलेंस्की काउंटर अटैक भी करते हैं लेकिन उससे रूस को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं।